हेलो गाइस वेलकम टू यूट चैनल दिस इज सिंह और आज हमारे जावा टूटर के प्लेलिस्ट में हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में सो so, कंस्ट्रक्टर के इस टॉपिक में हम आज बेसिकली तीन मेन चीजों पे फोकस करेंगे जो कि हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर सो वॉट इज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर आखिर है क्या इट इज अ फंक्शन यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट वाइल क्रिएटिंग इट ये एक तरीके का मेंबर फंक्शन है फंक्शन मतलब एक तरीके का मैथड ही है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अगर हमें अपना कंस्ट्रक्टर खुद लिखना है तो उसके लिए हमें एक मैथड लिखना होता है जिसका नाम सेम क्लास नेम के हिसाब से एक सेम होना चाहिए मतलब कि हमारा जो क्लास का नेम है और हमारा कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो एकदम सेम होना चाहिए जैसे कि नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे क्लास का नाम रखा है एम कैपिटल है वाई स्मॉल है सी कैपिटल है कैमल केस में लिखा हुआ है और सेम कैमल केस के तरीके से हमने अपने एवरी जावा क्लास इज ओन कंस्ट्रक्टर नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं करते हैं तो जावा अपना खुद का अलग से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कुछ ऐसा ही है बट अगर हमने खुद से क्रिएट नहीं किया है तो जावा अपने आप खुद का ऑटोमेटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल होता है जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करते हैं न्यू की का यूज करके हम जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसी वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है ना ही वाइड तक इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है ठीक है वी कैन नॉट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज अ फाइनल एब्सट्रेक्ट और सिंक्रोनाइज हम अपने कंस्ट्रक्टर को ना ही फाइनल बना सकते हैं ना ही एबस्ट्रेट बना सकते हैं ना ही सिंक्रोनाइज बना सकते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर को इनमें से कोई भी ऐसा की वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते है. सो, so, नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में मगर तब तक चलिए समझते हैं प्रैक्टिकली कि हम अपना कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं सो so, मैंने यहाँ पे एक अपना एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है एंड अब मैं एक नई क्लास क्रिएट करूंगी ताकि हम अपना कंस्ट्रक्टर का बारे में अच्छे से समझ पाएं सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी नई क्लास क्रिएट हो गई है और अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी नई क्लास क्रिएट करेंगे सो so, हमने अपनी नई क्लास क्रिएट कर ली है और अब हम यहाँ पे अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सो so, जैसा कि आपको पहले से पता है हमारा अपना क्लास का जो नाम होता है सेम वैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम रखना होता है सो so, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है जो कि एग्जैक्टली सेम नाम है जैसे उसका क्लास का नाम है एंड अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करूंगी और अब मैं अपने इन दोनों वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करूंगी सो so जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने दो वेरिएबल क्रिएट करे और दोनों की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी अब मुझे इस अपने दोनों ही वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसके लिए मुझे अब अलग से एक मेथड भी क्रिएट करना होगा एंड अब अपने इन दोनों ही वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मैं अपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और फिर इस वाले मैथड को प्रिंट करा दूंगी सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शो के मेथड के अंदर अपना जो भी स्टेटमेंट लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और इसको मार्क्स प्रिंट करने के लिए कहा था विथ स्पेस हमारे सब्जेक्ट का मैथ्स और मार्क्स का 50 दोनों ही वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है कंसोल में सो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का ये चैप्टर सही से, से समझ में आया होगा अब हम समझते हैं वॉट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर सो हमारे पास जावा में दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं पहला हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा हमारा होता है पैरामेटर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम भी क्रिएट कर सकते हैं और जावा ऑटोमेटिकली भी हमारे लिए ये अलग से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है मगर पैरामेटर कंस्ट्रक्टर हम खुद ही क्रिएट करते हैं सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट हैज नो पैरामीटर्स इसका कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता है इट प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट ये एक तरीके के डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारे ऑब्जेक्ट को इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पैरा मैटर्स कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डैट हैज पैरामीटर नोन एज पैरामेटर्स कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जिसके हम पैरामीटर्स होते हैं उसमें पैरामैटर्स कंस्ट्रक्टर कहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू इनिशिलाइज द फील्ड्स ऑफ द क्लास विथ आवर ओन वैल्यूज देन वी यूज दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर अगर हमें अपने फील्ड्स की वैल्यू में खुद की अपनी एक अलग से डिफॉल्ट वैल्यू इनिशलाइज करनी है तब हम इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं नाउ वाई वी यूज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का हम लोग तो इस्तेमाल ही क्यों करते हैं चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे पैरामेटराइज हो टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करना है तब हम अपने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं सो so, अगर पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल में हम समझना चाहें तो जैसे कि हमारा आ, ये प्रोग्राम था एंड यहाँ पे मैं बस सोर्स पे गई जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स में जाओ जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स में गई एंड यहाँ पे मैंने दोनों ही अपने uh, को करके जनरेट कर दिया सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा अलग से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है ये हमारा पैरामेट्रेस कंस्ट्रक्टर का आ जाता है सो आई होप आपको दोनों ही कंस्ट्रक्टर समझ में आए हों एंड कंस्ट्रक्टर के इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड uh, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है वहाँ पे भी जाकर अपने आ, वहाँ पर भी जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड गाइज ऑलरेडी काफी वीडियोज इस प्ले लिस्ट में अपलोड हो चुकी हैं सो आई होप आपने कोई भी टॉपिक मिस ना किया हो प्लीज सारे ही वीडियो देखेगा एंड uh, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करेगा शेयर करेगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू